हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सो आज हम इस वीडियो में क्लास फिफ्थ के इन्वायरमेंट स्टडी बुक के मेन एमसीक्यू जो मोस्ट इम्पॉटेंट एमसीक्यू है उसका हम करेंगे मैंने इसके रिगार्डिंग टू वीडियोस बनाई हैं आज फर्स्ट वीडियो है एंड नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एम करेंगे अगर आप ये दोनों वीडियोज़ देख लोगे तो आपको फोर्टी मार्क्स आपके पक्के हैं आपको कोई भी उसकी रिगार्डिंग टेंशन लेने की लोड नहीं है क्योंकि इन टू तो वीडियोज़ में चैप्टर के अलावा जो चैप्टर के अंदर से जो एम बनते हैं मैंने वो भी एमसीक्यू इंक्लूड की है देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपको एमसीक्यू चैप्टर की जो बैक है से भी आ सकते हैं और चैप्टर में से भी आ सकते हैं वो एमसीक्यू वेरी शॉर्ट क्वेश्चन को एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स को भी एमसीक्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं सो so, इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉर द लेटेस्ट अपडेट डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन और इस इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपके जो फोर्टी मार्क्स है वो प्रॉपर इंश्योर हो जाएंगे पक्का आएंगे आपके फोर्टी मार्क्स फर्स्ट इज़ विथ योर ग्रैंड पेरेंट्स यू शूड आपको अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ क्या करना चाहिए नॉट वेस्ट टाइम उनके साथ कोई टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए उनके साथ रहना नहीं चाहिए स्पेंड मोस्ट ऑफ यूर टाइम एंड डू नॉट टाक तो इसका आंसर आएगा स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम आपको अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ बहुत ज़्यादा टाइम बिताना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच मार्क शो द प्योरिटी ऑफ इलेक्ट्रिक अपेलियंस मीन जो इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट होते हैं उसकी प्योरिटी के लिए कौन से साइन यूज होते हैं देखो एग मार्क अगर मैं बात करूँ तो ये किसके लिए होते हैं ये खाने वाले आइटम्स के होते हैं बी एस आई मार्क्स किसका होता है ये होता है सोने का और वुल मार्क वुल की प्योरिटी को डिपेक्ट करता है तो हमारा आंसर क्या होगा आई एस आई ठीक है विच प्रोडक्ट कैन बी प्रिजर्व बार ड्राइंग ठीक है ऊपर वाले का आंसर आएगा आई एस आई कौन से प्रोडक्ट है जो हम प्रिजर्व कर सकते हैं बचा सकते के? के हैं सुखा के फेंग्रू कैन एप्पल एप्पल को भी फेंगर को भी हम और एप्पल को भी हम प्रिजर्व कर सकते हैं सुखा के कोरिएंडर एंड एनफीक को भी जिजर एंड आंवला को भी तो हमारा आंसर क्या होगा ऑल ऑफ दिस नेक्स्ट इज हाउ कैन वी एसेस द टिकेइंग फूड इसका मतलब ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो फूड है वो क्या हो गया सड़ गया है देखो पहला ऑप्शन है बाईट नहीं आप खाओ खा के या फिर स्मेल करके या बाय रीड करके या फिर बाय हीटिंग करके हमारा आंसर क्या होगा बाय स्मैलिंग स्मेल करके ठीक है उससे हमें पता चल जाएगा जो फूड है वो सड़ा है कि सही है ठीक है विच विटामस वर्क वर्क वेल फॉर आई एंड आई लाइट ठीक है आई साइट होगा कि कौन से विटामिन हैं जो आपकी आंखों के लिए uh, मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है द आंसर इज़ विटामिन ए विटामिन ए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपकी विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो आपकी आई साइट क्या हो जाएगी कमज़ोर हो जाएगी तो नेक्स्ट इज पी टी ऊषा इज़ पी टी ऊषा क्या थी एक हॉकी प्लेयर थी या मेल एथलीट थी या इंटरनेशनल एथलीट थी या बॉक्सर बॉक्सिंग प्लेयर थी तो आंसर इज एन इंटरनेशनल एथलीट वो इंटरनेशनल एथलीट थी ठीक है द विलेज ऑफ मोहन इज द फुल ऑफ वाटर बिकॉज ऑफ रिवर ओवरफ्लो वर्ड शूड मोहन कि जो मोहन का विलेज है वो क्या हो गया पूरा पानी से भर जाता है तो मोहन क्या करेगा उस पानी में नहाएगा फर्स्ट ऑप्शन में है उस पानी को पिएगा या करेगा पीपल की हेल्प करेगा पानी को रीट मतलब कि क्या कहते हैं पानी से को निकालने में और डू नथिंग तो हमारा ऑप्शन क्या होगा वो पीपल की हेल्प करेगा और नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैट कैन नॉट सेंड डैश स्वीट कैट को कौन सा मतलब uh, uh, कि जो टेस्ट है वो सेंस नहीं कर सकता तो आंसर इज स्वीट और ये आपको फीलिंग द ब्लैंक्स में भी है ठीक है विच एनिमल इज़ शॉन इन द पिक्चर कौन सा एनिमल आपको शो हो रहा है तो आपको पता है डक शो हो रही है ठीक है नेक्स्ट इज वट आर द डिसएडवांटेज ऑफ कटिंग फॉरेस्ट अगर हम फॉरेस्ट को कट कर देंगे तो उसके क्या हानिकारक है या फिर क्या उसके डिसएडवांटेज है ठीक है तो उसका आंसर क्या होगा हेल्प शो रोड एंड रेल नेट की हमें हेल्प करेगा रेल रोड को शो करने में और रेलवे को शो करने में रेलवे का जो पटरी है उसे शो करने में न्यू एरियाज़ बनाने के लिए यह वाइल्ड एनिमल्स क्या हो जाएंगे सी ऑप्शन है कि वाइल्ड एनिमल रेजिडेशन एरिया में आ जाएंगे फूड की तलाश के लिए और हेल्प करेंगे इन डेवलपिंग न्यू इंडस्ट्री एरिया तो हमारा ऑप्शन क्या होगा कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल है वो रेजिडेंशियल एरियाज में आ जाएंगे क्योंकि फॉरेस्ट कट हो जाएंगे उनके पास खाने के लिए कोई जगह चीज नहीं होगी ठीक है जिसके कारण क्या होंगे वो रेजिडेंशियल एरिया में आ जाएंगे ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू सी द पेशेंट ऑफ गोट्राइड डिजीज यू सी कि जब तुम्हें पेशेंट जिसका गोटायर हुआ है वो तुम क्या देखते हो हिज बॉडी इज लुकिंग अपवर्ड उसकी बॉडी ऊपर को दिख रही होती है ठीक है बी ऑप्शन है ब्लड अपीयर ऑन हिज गम उसके तो दांत मसूड़ों है ना उसमें मला के ब्लड आ रहा होता है ठीक है ग्लासेज अपेयर ग्लासेज अपेयर हो रहे थे या फिर हिज लोअर पार्ट ऑफ द नेक अपेयर सोलैन उसका जो नेक का जो लोअर पार्ट होता है वो क्या होता है सोलन होता है मिस सूचा होता तो हमारा आंसर डी आएगा नेक्स्ट इज वन वी सी द मैच गोइंग ऑन फार एंड वाइट क्या वी सी मैच गोइंग ऑन और फार एंड वाइट हम कैसे मैच गोइंग जो चल रहा है उसे हम कैसे देख सकते हैं इन ड्रीम्स अपने सपनों में इन वीडियो गेम्स में बाय डायरेक्ट टेलीकास्ट एंड नन ऑफ दिस तो आपका आंसर क्या आएगा बाय डायरेक्ट टेलीकास्ट टी द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ ऑफ प्लांट इज इज़ ड्यू टू द पिगमेंट और जो ग्रीन कलर होता है प्लांट्स के ऊपर किसके कारण होता है तो हमारा आंसर क्या होगा क्लोरोफिल के कारण होता है ठीक है इफ़ यू आर आज टू मैच द फॉलोइंग देन विच देन विद विच यू विल मैच द मध्य प्रदेश अगर कहा आपको कहा जाए आपको फॉलोइंग मैच करना है तो आप मध्य प्रदेश को किसके साथ मैच करोगे आसाम के सामने बुंडा है राजस्थान के सामने गोंड है झारखंड जर, के सामने बोडोस है एंड मध्य प्रदेश के सामने भीला आपने मध्य प्रदेश को मैच ठीक है आपने किसके साथ मैच करना मध्य प्रदेश को तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा गोंड क्योंकि मध्य प्रदेश में जो गोंड ट्राइबल प्रजाति पाई जाती है ठीक है तो हमारे इसमें ऑप्शन क्या होगा गोंड में ठीक है नेक्स्ट इज द स्लाइवा इनसाइड द माउथ मेक द पीसीज ऑफ फूड जो स्लाइवा हमारे मुंह में होता है वो क्या करता है जो हमारे मुंह में जो हम फूड के पीसेज डालते हैं उसे क्या करता है उससे मेक वाटर्स करता है मेक डाइजेस्टिव जूस करता है चेंज इन टू द स्वीट और ग्लूकोज कर देता है और नन ऑफ दिस ठीक है ठीक है उसे क्या करता है वो चेंज कर देता है इनटू द स्वीट और ग्लूकोज तो हमारा आंसर होगा सी नेक्स्ट इज अर्थर बाउट अर्थर क्या हो लेकर आता है पीछे लेकर आता है ठीक है कॉल्स छोटा आर यूज फॉर जो कॉल्स छोटे हम किसके लिए यूज़ करते हैं हम फ्रूट्स के लिए भी यूज़ करते हैं वेजिटेबल के लिए यूज़ करते हैं तो हमारा आंसर आएगा बोथ ए एंड बी ठीक है द मेल्टिंग पॉइंट्स ऑफ आइस इज आइस का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है जीरो डिग्री सेल्सियस डैश कैन लिव ऑन अर्थ एज वेल एज ऑन ग्राउंड कौन है जो अर्थ पर भी रह सकता है ठीक है और पानी के अंदर भी रह सकता है देखो फिश सिर्फ पानी के अंदर रह सकती है भी सिर्फ पानी के अंदर रह सकती तो हमारा आंसर क्या होगा क्रोकोडाइल क्योंकि क्रोकोडाइल अर्थ पे भी रह सकता है और पानी पे भी रह सकता है देन किला मुबारक इस दिन किला मुबारक आया है हमें सभी को पता है किला मुबारक आया है भटिंडा में है ठीक है नेक्स्ट इज विच सीड इज़ यूज एज अ स्पीशीज कौन सा सीड्स है जो हम एज अ मसाले में यूज़ करते हैं टमरिक मेज रूलर मिर्च एंड ऑल तो हमारा आंसर क्या होगा टमरिक टमरिक को हम मसालों में यूज करते हैं सीड आर यूज एज मसाला कौन से सीड को हम एज अ मसाला यूज करते हैं देखो तो वीट को हम नहीं यूज करते ना हम मस्त को एज अ मसाला यूज करते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा हमारा आंसर होगा जीरा इन ऑल डे पीपल यूज टू मेक ऑल्डन डे में जो पीपल है वो क्या लेते थे टेक सॉरी तो वो मिल्क भी लेते थे आलमंड भी लेते थे और बटर भी लेते थे तो हमारा ऑप्शन आएगा डी ऑल बाय प्लेइंग इन अ टीम वी लर्न हम जब हम ग्रुप में प्ले करते हैं टीम में प्ले करते हैं तो हमें क्या लर्न करते हैं हम कोऑर्डिनेशन एंड कॉन्फिडेंस लर्न करते हैं वैसे तो हम हार्डवर्क एंड डेडिकेशन भी लर्न करते हैं तो ये दोनों ऑप्शन ही सही होगा बट मेन हम कोऑर्डिनेशन हम ज़्यादा लर्न करते हैं एज अ टीम में ठीक है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए काज द प्रॉब्लम इन हमने पहले ही पढ़ा था कि आई साइड के लिए कौन सा विटामिन चाहिए अच्छा होता है तो विटामिन ए तो हमारा क्या ऑप्शन का आएगा आई साइड मदर मिल्क इज डैश फॉर चाइल्ड कंप्लीट होता है ठीक है डैश एज अ लॉन्ग टर्म किसकी लंबी टंग होती है एंड की होती है डॉग की होती है एलिफेंट की होती है या चमीलियन की होती है तो हमारे चमिलियन में इज इस गिरगिट इसकी लॉन्ग टंग होती है नेक्स्ट इज़ हु ईट स्नेक इन द फॉलोइंग पिक्चर आपको इसमें क्या है ये स्नेक है इसे कौन ईट कर रहा है तो ईगल ईट कर रहा है तो हमारा आंसर आएगा ईगल ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन डैश कैन स्विम डिस्पाइट बिंग बर्ड कौन है जो स्विम भी कर सकता है बर्ड होने के बावजूद तो हमारा आंसर क्या होगा पेंगुइन क्योंकि पेंगुइन बर्ड है और बर्ड वो स्विम भी कर सकता है ठीक है नॉन रिलेबल नेचुरल रिसोर्स क्या है, है? कोयला पेट्रोलियम बोथ या नन ऑफ दिस तो कोयला एंड पेट्रोलियम दोनों ही नॉन रिलेबल रिसोर्सेज है तो हमारा आंसर क्या आएगा बोथ क्योंकि रिन्यू नहीं हो सकते ना और ए डैश टूल आर यूज फॉर एग्रीकल्चर आजकल हम कैसे टूल यूज कर रहे तो आजकल हम मॉडर्न यूज कर हैं हैं खरीफ क्रॉप इस खारीफ क्रॉप कौन सी है खारीफ क्रॉप कौन सी है तो आंसर इज़ मेज ठीक है पैडी ख़ारीफ नहीं है पैडी कौन सी है पैडी रावी की क्रॉप्स है ठीक है नेक्स्ट इज वट आज बिल्ड फॉर द वर्किंग इन द थर्मल प्लांट थर्मल प्लांट में जो लोग वर्क कर, कर करते हैं उनके लिए क्या बिल हो रहा उनके लिए क्या बन रहा था तो उनके लिए कॉलोनीज़ बन, तो बन रही थी ठीक है नेक्स्ट इज स्टूडेंट प्रिपेयर डैश इन द कंप्यूटर चपाती प्रिपेयर कर सकते हैं प्रोजेक्ट प्रपेयर कर सकते हैं कॉपी प्रिपेयर कर सकते हैं टेबल तो हमारा आंसर क्या होगा प्रोजेक्ट Next is the computer I use to listen song, Bill. प्लेइंग ऑल तो हम कंप्यूटर हमें पता है लिसन की बात कर रहे हैं हम देखो बिल भी पे कर सकते हैं प्ले हम यहाँ पे अगर मूवीज लिखा होता है तो मूवीज होता है बट लिसन की बात की हम क्या सुन सकते हैं तो सॉन्ग लिए सुन सकते हैं कंप्यूटर की ऐप से टाइकोंडो बिलोंग किस से टाइकोंडो बिलोंग करता है तो टाइकोंडो क्या है कोरिया से बिलोंग करता है ठीक है मिल कैन बी प्रवेंटेड प्रेंट, फ्रॉम स्पेलिंग मिल को हम कैसे खराब होने से बचा सकते हैं पहले ऑप्शन है कि उसे लाइट सनलाइट में रख के दूसरा है कि उसे बॉइल करके तीसरा है उसे फ्रिज में रखे या बोथ बी एन सी देखो हम बॉयल भी करते हैं और उसे फ्रिज में भी रखते हैं तो हमारा आंसर क्या होगा बोथ बी एन सी कच्चा हाउस इज मेड फ्रॉम कच्चा हाउस किससे बना होता है लेंटन लिंटन से बना होता है या बैम्बू से बना होता है या स्नो से बना होता है या न तो बैम्बू से भी बना होता है कच्चा हाउस ठीक है हनी बी लिव इन हनी बी कहाँ रहती है तो कॉलोनीज में रहती है ठीक है डैश इज़ यूज टू रन व्हीकल पेट्रोल यूज़ करते हैं हम डीजल का यूज़ करते हैं सीएनजी का यूज़ करते हैं ऑल का तो हमारा आंसर क्या होगा ऑल प्लांट प्रपेयर फूड एज वेल एज एज वेल एज गिव डैश इन प्लांट अपना फूड बनाते हुए और इन्वायरमेंट में क्या देते हैं तो हमारा आंसर आएगा ऑक्सीजन प्लांट इन्वायरमेंट को ऑक्सीजन देते हैं इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं ठीक है कलर हाइट एसेट्रा विच क्वालिटी जो आपका कलर है जो आपकी हाइट है ये हमारी फिजिकल क्वालिटी है ना तो ये हमारी कल्चरल ना हमारी रिच क्वालिटी है ना हमारी ये ब्रेन क्वालिटी ये, ये हमारी फिजिकल क्वालिटीज़ है ठीक है नेक्स्ट इज इफ अ पर्सन इन योर स्ट्रीट बन

के कारण हमारी जो क्रॉप्स है हमारी जो फसलें हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है जाते तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए पहला है मस्ट बी कॉम्पनशियट उन्हें पैसे देने चाहिए ठीक है शोइंग ऑफ न्यू क्रॉप शुड बी रन नई क्रॉप उगानी चाहिए शुड ट्राई टू प्रिवेंट प्रिवेंट करना चाहिए नेचुरल रिसोर्सेस से फर्टिलाइजर फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए तो हमारा आंसर क्या होगा कॉम्पनसेशन देनी चाहिए गवर्नमेंट को ठीक है फर्टिलाइजर बाद में होगा पहले तो उन्हें कॉम्पनसेशन मिलेगी धैनी वो धैनी धैनी वो क्रॉप्स के लिए सीड खरीद पाएंगे अगर वो सीड खरीदेंगे धैनी वो फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे प्लांट अलॉन्ग विथ प्रिपेयरिंग फूड अगेन है ऑक्सीजन आंसर आएगा वैन वैन शो वुड वीट बी स्टोर इनर ड्रम ड्रम में हम वीट को कब स्टोर कर सकते हैं जब उसे वीट को हम पहले ड्राई करके फिर हमें ड्रम में रखना चाहिए अगर हम ऐसे रख देंगे तो उसमें कीड़ा लग सकता है ठीक है इफ़ द गम ऑफ द पर्सन इज़ ब्लीडिंग देन ही और शी विल अगर किसी के पर्सन के गम ब्लीडिंग है हो रहा है तो उसे क्या करना चाहिए ठीक है उसे क्या करना चाहिए बटर या चीज़ खाना चाहिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा एग या मिल्क खाना चाहिए या फिर उसे जो सॉर फ्रूट्स है या आंवला है उसे खाना चाहिए या फिर उसे अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग खाना चाहिए तो हमारा इसमें आएगा सॉ फ्रूट्स एंड आंवला वैसे तो अवॉइड ईटिंग एंड ड्रिंकिंग भी हो सकता है बट ऐसा नहीं हो सकता तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सॉट फ्रूड और आंवला लेना चाहिए अब्यूजिंग एंड टेलिंग लाइक क्या होती है एक बैड हैबिट होती है किसी को अब्यूज़ करना और झूठ बोलना ये बैड हैबिट है गुड हैबिट है भी नहीं गेट जॉब भी नहीं है ना ही इलीगल वर्क है सुखदेव कौर हु बॉर्न एंड ग्रोन अप इन द पंजाब क्या बनी थी वो फर्स्ट पायलट बनी थी इंडिया की सॉरी पंजाब की बिकम द फर्स्ट लेडी पायलट इंस्ट्रक्टर बनी थी वो ऑफ पंजाब की ठीक है रामू वेंट टू उत्तर प्रदेश बिकॉज ऑफ अर्थयुग देर आर रामू जब उत्तर प्रदेश में देखता है तो वहाँ पे क्या हो रहा होता है वो बोट राइडिंग कर रहा होता है देख रहा होता है कि जो पीपल को क्या कहते हैं रेस्क्यू हो रहे होते हैं वो उन्हें देख के क्या रोने लग जाता है ठीक है डू नथिंग करता है वैसे तो अर्थकयुग में वाटर का कुछ नहीं आएगा बट करेक्ट ऑप्शन इसमें यही बनता है कि उन्हें रेस्क्यू करेगा पीपल्स को ठीक है नेक्स्ट इज़ वाइल्ड राइडिंग द विकल ऑन द रोड ट्रैफिक लाइट शो रेड देन आपको क्या करना चाहिए हमें हमें क्या करना चाहिए हमें स्टॉप हो जाना चाहिए वी शुड स्टॉप ठीक है नेक्स्ट इज इफ़ देयर इज़ अ लीड इन दीट इट बी इट कुड बी बिकॉज अगर लीड आपको दिखता है तो वो किसके कारण होता है कि जो वीट में क्या हुआ ड्रग यूज़ हुआ है ड्रग का मतलब यहाँ पे हमने पेस्टिसाइड वगैरह हमने यूज़ किया हुआ है नेक्स्ट इज राधर फादर राजू फादर वर्किंग इन कहाँ फादर राजू के फादर कहाँ वर्क करते थे तुम्हारा आंसर क्या होगा सिटी में वर्क करते थे राजू के फादर द वुड ऑफ डैश इज़ यूज फॉर मेकिंग पेपर एंड स्पोर्ट मटेरियल कौन सा वुड हम सफेदा का वुड हम यूज़ करते हैं विच ऑर्गन कैन कैन वी टेंस टेस्ट कौन सा ऑर्गन सेंस ऑर्गन है जो हमारा टेस्ट को सेंस करता है तो आपको पता ही है जो टंग है वो सेंस करती है और नेक्स्ट इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर सभी को पता है आइस है थ्री फॉर्म ऑफ वाटर होती है लिक्विड uh, इस, इस वीडियो का सराई नूर महल इज सिचुएटेड इन डैश नूर महल कहाँ है नूर महल में सिचुएटेड है विद दिस आपके एमसीक्यू हो जाते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट एम सी क्यू करेंगे तब तक के लिए uh, बाय आप इस वीडियो को अगेन देखिए क्योंकि इससे आपके 40 मार्क्स पूरे पक्के हो जाएंगे इसमें चैप्टर के अलावा अगर आप देखोगे तो एक्स्ट्रा एम सी क्यू भी है ठीक है ये आपकी जनरल नॉलेज को भी बढ़ा रहे हैं और पेपर में भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे अगर आपको वीडियो पसंद लगी तो इसे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो